नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 947 रुपये में है और 52 वीक हाई 979 का है दोस्तों। अपने 52 वीक हाई तक पहुंच गया स्टॉक प्राइस। 17 नवंबर 2021 को बनाया था इसने 979 का और 52 वीक लो बनाया था 671 का 8 मार्च 2022 को। तो एक अच्छी तेज़ी बनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में। ऑटो सेक्टर के शेयरों में ज़्यादातर तेज़ी रही, आप मारुति को देखिए, टाटा मोटर में भी तेज़ी रही। जैसे कि मार्केट में गिरावट हुई है, बट ये ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में थोड़ी बहुत तेज़ी आई दोस्तों। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर रहे हैं तो 947 तक स्टॉक प्राइस पहुंचा है और इसके Q4 के नतीजे आने थे 28/5/2022 को, तो कंपनी की तरफ से अपडेट आ गया है, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट। तो Q4 2022 में क्या परफॉर्मेंस रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का, टोटल इनकम कितना बड़ा है सालाना क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, मुनाफा कितना आया है, अर्निंग पर शेयर क्या रहा है और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना दिया है उसे देख लेते हैं और एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार भी बात कर लेंगे। 947 रुपये में इसका स्टॉक प्राइस है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के Q4 2022 के नंबर्स का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। Q4 2022 के नंबर्स हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है 31 मार्च 2022 के क्वार्टर में। इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, तो 25,934 करोड़ का रेवेन्यू है और एक साल पहले 21,455 करोड़ का रेवेन्यू था और Q3 में 23,594 करोड़ का रेवेन्यू था दोस्तों। तो इस क्वार्टर में 25,934 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। अदर इनकम को प्लस करते हैं तो देखिए टोटल इनकम की बात करते हैं तो 26,215 करोड़ का है, साल भर पहले 21,770 करोड़ का था और Q3 में 23,785 करोड़ का था। तो रेवेन्यू बढ़कर आया है इस क्वार्टर में सालाना भी और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से। टोटल इनकम 26,215.47 करोड़ का हुआ है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस का कॉलम देख लेते हैं। एक्सपेंसेस की बात करते हैं, उसी के अनुसार प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस का कॉलम ये है, टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में 23,813.93 करोड़ का है और टोटल इनकम 26,215 करोड़ का है। तो कंपनी को प्रॉफिट है और प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स की बात करते हैं 2,608 करोड़ का है, साल भर पहले 1,634 करोड़ का था और Q3 में 2,485 करोड़ का था। तो Q4 2022 में महिंद्रा एंड महिंद्रा को जो प्रॉफिट आया 2,608 करोड़ का हुआ है। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए 20.30 क्वार्टर में और एक साल पहले 9.64 का था, 17.89 का Q3 में था दोस्तों। तो Q4 2022 में जो नतीजे पेश किए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, अच्छे नतीजे पेश किए हैं। टोटल इनकम बढ़ा है सालाना भी, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी और प्रॉफिट जो आया है 2,608 करोड़ का आया दोस्तों। तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, बढ़िया नतीजे पेश किए हैं Q4 2022 में। अब डिविडेंड की बात कर लेते हैं दोस्तों। डिविडेंड की बात करते हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने Q4 2022 के नतीजों के साथ जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है, रिकमेंडेशन किया है, 11.55 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड रिकमेंड किया है, 231% डिविडेंड रिकमेंड किया है। 11.55 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा आने वाले दिनों में। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का ये एक साल का चार्ट लगा हुआ है और मार्च के महीने में स्टॉक नीचे की तरफ था दोस्तों और नीचे से देखिए बड़ी अच्छी तेज़ी बनी इसमें, 700 के आसपास से ऊपर की तरफ स्टॉक गया है, 947 तक पहुंचा है और 52 का है 979 का है दोस्तों। तो अपने हाई के आसपास पहुंचा है, नतीजे भी बढ़िया आए हैं। अगर मार्केट में तेज़ी बनती है तो अपने 52 के हाई को ब्रेक करते हुए 1000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा और जिन्होंने नीचे के लेवल पे लिया है 700 या 800 के आसपास, तो एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए प्रॉफिट वाला, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल भी है और मार्केट में अगर करेक्शन आता है जैसे कि 947 में है तो 890 या 900 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रॉफिट वाला। और जो खरीदारी कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि स्टॉक देखिए एक तरह से ऊपर की तरफ आ गया है,
हंड्रेड के 1000 के आसपास आ गया है, तो स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए यहाँ पे ऊपरी लेवल पे, और मुनाफा वसूली आती हुई दिख सकती है। तो जिनको प्रॉफिट हो रहा है एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अभी निफ्टी फिफ्टी में तेज़ी आई है, अगर निफ्टी फिफ्टी ऊपर की तरफ 16,800 या 17,000 तक जाता है तो ये स्टॉक हमें 1000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। ये हैं और स्टॉक में भी एक तेज़ी बनी है, जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, और एक स्टॉप लॉस प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है दोस्तों, Q4 के नतीजों के साथ डिविडेंड भी दिया है, तो आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का Q4 2022 के नतीजों का। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर मार्केट से जुड़े रहने का धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नए नए वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए धन्यवाद।